दोस्तों निकोन ब्रांड में अगर हम एंट्री लेवल DSLR में बेस्ट कैमरा की बात करें तो निकोन का D5600 एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। तो आज की वीडियो में हम करने वाले इसी का हैंड जोन, देखने वाले हैं किस तरह की प्रोडक्ट क्वालिटी आपको मिलती है, क्या फोटोज क्वालिटी है, क्या वीडियो क्वालिटी है, वो सारी चीज़ें जो है आपको आज की वीडियो में देखने को मिल जाएगी। सो दैट अगर आप ये कैमरा लेने की सोच रहे हो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या आउटपुट मिलने वाली है इस कैमरा से। तो करते हैं फटाफट से इस वीडियो को शुरू और देखते हैं किस तरह की है ओवरऑल क्वालिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस कैमरा के हैंड जोन की, देखते हैं किस तरह के बटन कंट्रोल्स और ओवरऑल जो है चीज़ें आपको मिलती हैं इस कैमरा के अंदर। तो इस तरफ आपको मिलते हैं बटन कंट्रोल्स ऑन और ऑफ करने के, और इस तरफ आपको मिलती है LCD स्क्रीन जिससे आप पूरी जो है डिस्प्ले देख सकते हैं क्या कैमरा सेटिंग्स है। यहाँ आपको मिलता है लाइव व्यू का बटन जिससे आप लाइव व्यू जो है शिफ्ट कर सकते हैं, आपको लाइव व्यू से हटाना या फिर नहीं रखना। इसके अलावा गाइस आपको यहाँ मिलते हैं बटन कंट्रोल जिससे आप सारा कुछ जो है सेट कर सकते हैं। ये है डायल जिससे शटर स्पीड और बाकी चीज़ें सेट होती हैं। इस तरफ गाइज आपको मिलते हैं पोर्ट जिससे आप माइक अटैच कर सकते हैं, USB अटैच कर सकते हैं, और इस तरफ आपको गाइज मिलता है HDMI का पोर्ट और कार्ड लगाने का स्लॉट। ये जो चीज़ें हैं वो आपको इस तरफ मिलती हैं। नीचे की तरफ गाइज आप बैटरी डाल सकते हैं इसको ओपन करके। और जो मैं लेंस गाइज इसमें यूज़ कर रहा हूँ वो है 18-105 जिसमें हमें VR ऑन और ऑफ करने का बटन मिल जाता है और मैनुअल सिलेक्शन या फिर ऑटोमेटिक फोकस सिलेक्शन का बटन देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं गाइस वीडियो की क्वालिटी की, देखते हैं किस तरह की वीडियो क्वालिटी हमें इस कैमरा से देखने को मिलती है। तो गाइस अब करते हैं इसकी सेटिंग और देखते हैं किस तरह की वीडियो क्वालिटी हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले मैं करता हूं इसे लाइव व्यू पर, जो होगा इस तरफ से। तो इस बटन से आपने लाइव व्यू पर करना है, और इस कैमरे में मुझे अच्छी बात यह लगी कि इसके अंदर एक शॉर्टकट बटन है। अगर आप ISO सेट करना चाहते हैं तो इस बटन को दबा के इस डायल से ISO सेट कर सकते हैं, तो काफ़ी जल्दी जो है ISO सेट हो जाता है इस कैमरा में। तो अब करते हैं वीडियो सेटिंग्स और देखते हैं क्या वीडियो सेटिंग्स है। तो हमने अभी सेट कर रखी है फुल HD वीडियो 60 फ्रेम पर सेकंड पर, माइक ऑटो पर है, वाइट बैलेंस भी ऑटो पर है, ISO 800 है, और जो ऑटो फोकस एरिया मोड है वो है फेस प्रायोरिटी पर। अब लेते हैं कुछ वीडियो के सैंपल्स और देखते हैं किस तरह की वीडियो क्वालिटी हमें देखने को मिलती है। तो कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जब आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। जो भी आपकी ऑडियो लेवल्स है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखने को मिलेगी, और कैमरा सेटिंग जो भी मैंने सेट कर रखी है वो नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। ISO मैंने 800 पर सेट कर रखा है, शटर स्पीड जो है 1/100 पर है, और जो अपर्चर है वो फिक्स नहीं है। जैसे ही मैं जूम इन या जूम आउट करता हूँ तो अपर्चर भी चेंज होता रहता है। इसके अलावा गाइस जो फोकस मोड मैंने सिलेक्ट कर रखा है वो है ब्रैकेट वाला, मतलब जो भी बॉक्स में किसी भी सब्जेक्ट पर रखूँगा तो वहाँ पर फोकस करेगा। इसके अलावा आपको अलग अलग फोकसिंग मोड्स भी देखने को मिलेंगे, बट मैंने टेस्ट करने के लिए ये मोड अभी चूज़ कर रखा है जिससे मेरे को आइडिया हो जाएगा कि कितनी जल्दी जो है जहाँ पे भी मैंने बॉक्स रखा है वहाँ पर ये फोकस करता है। हालांकि इसका जो रिज़ल्ट है आपको अभी आगे दिख जाएगा कि कितनी जल्दी ये फोकस करता है, या फिर जो फोकस का ट्रांजिशन है वो कैसा है वो आपको आने वाली अभी आगे जो वीडियो आएगी उसमें देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल जो यूज़र इंटरफेस है कुछ इस तरह का है। टच स्क्रीन कंट्रोल्स भी आपको देखने को मिलेंगे इस कैमरा में, जो आपकी काफ़ी मदद करेंगे जब आप फोटोग्राफी या फिर वीडियो शूट करेंगे इस कैमरा से। तो गाइज अब मैं कर रहा हूँ इसका फोकस टेस्ट। तो बेसिकली मैं एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पर जो है फोकस शिफ्ट करूँगा जिससे मेरे को आइडिया हो जाएगा कि कितना स्मूथ जो है फोकस करता है। बट अगर हम ध्यान से देखें तो इसका फोकस जो है मुझे स्मूथ नहीं लगा, और जो स्पीड है वो भी काफ़ी कम है फोकस करने की। तो बेसिकली जैसे ही मैं मूव करता हूँ तो इसका फोकस जो है हंट करता है, और हंट करने के बाद जो है एक स्मूथ ट्रांजिशन नहीं छोड़ता जब फोकस करता है, मतलब थोड़ा सा टाइम लेता है फोकस करने में। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी नहीं लगी इस कैमरा की। सो अब करते हैं इसकी पोर्ट्रेट वीडियो टेस्ट, देखते हैं किस तरह की जो है पोर्ट्रेट वीडियो हमें इस कैमरे से देखने को मिलती है। तो गाइज अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं वो डायरेक्टली रिकॉर्ड हो रही है निकोन की D5600 से, और जो इमेज क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी है या फिर ऑडियो क्वालिटी है स्ट्रेट फ्रॉम दी कैमरा में। सो कुछ इस तरह की पोर्ट्रेट वीडियो आपको मिलने वाली है निकोन की D5600 कैमरा में, बट जो ऑडियो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, स्पेशली जब आप आउटडोर शूट करें तो कोशिश करें आप एक्सटर्नल माइक यूज़ करें तभी आपको जो है ऑडियो क्लियर सुनाई देगी। अब बात करते हैं इस फोटोज़ की क्वालिटी की, लेके देखते हैं कुछ फोटोज़ के सैंपल जिससे आइडिया हो जाएगा कि कैसी क्वालिटी है इस कैमरा की। तो ये कुछ नॉर्मल फोटोज़ के सैंपल्स हैं जो मैंने नेचुरल लाइट में शूट करे हैं, बट इसमें प्रॉब्लम मुझे ये लगी जब आप लाइव व्यू में शूट करते हैं तो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस करता है निकोन का D5600, बट व्यू फाइंडर से जब आप शूट करेंगे तो आपको जो है फास्ट प्रोसेसिंग देखने को मिलेगी, जो फोकस है वो काफ़ी फास्ट करता है व्यू फाइंडर के थ्रू शूट करते वक्त। इसके अलावा गाइज अगर हम बात करें जूम करके पिक्चर क्वालिटी चेक करने की, अगर हम किसी फोटो को जूम करके देखें तो आपको जो क्वालिटी मिलती है वो कुछ इस तरह की मिलती है जो अभी आपके सामने है। जो कलर कंट्रास्ट है, जो ग्रेन्स है, या ओवरऑल शार्पनेस है जो है ये है, मैंने इसमें कोई भी एडिटिंग या फिर कोई भी कलर करेक्शन नहीं करी है।
तो गाइज हमने कर लिया इस कैमरा को ऑलमोस्ट टेस्ट, देख लिया किस तरह की फोटोज और वीडियो क्वालिटी इस कैमरा से हमें मिलती है। आपको ये कैमरा कैसा लगा, इसकी फोटोज और वीडियो क्वालिटी कैसी लगी, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड गाइज अगर आप ये कैमरा खरीदना चाहते हैं तो लिंक भी मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है अमेज़न का, आप वहाँ से इस कैमरा को खरीद सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, आप सभी अपना ध्यान रखें।